ट्रेन में दो कांग्रेस विधायकों ने नशे की हालत में एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। विधायक खुद को पाकसा बता रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है और कांग्रेस से जवाब मांगा है। मामले की सत्यता तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन रेवांचल ट्रेन में आए दिन शराब के नशे में घटनाएं हो रही हैं। कई बार देखा गया है कि रेवांचल में शराबी उत्पात मचाते हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की बैठक का आयोजन विधानसभा में 7 अक्टूबर को होना था, जिसके लिए सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल आ रहे थे। जिस कोच में दोनों विधायकों की बर्थ थी, उसी में एक महिला की भी बर्थ थी। सतना से सागर में महिला के पति ने बदसलूकी का आरोप लगाकर ट्वीट किया और हबीबगंज जीआरपी में दोनों विधायकों के खिलाफ शिकायत आवेदन दिया, जिस पर कांग्रेस के दोनों विधायकों पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का कहना है कि आरोप निराधार है। महिला किस इरादे से उन पर आरोप लगा रही है, यह उन्हें खुद भी नहीं पता है, जबकि वहां पर 4 लोग थे। महिला खुद उनकी सीट पर सोई हुई थी, लेकिन उनके साथ छोटा सा बच्चा था, इसलिए महिला को उन्होंने अपनी सीट पर से जगाया भी नहीं। आरोप पूरी तरह निराधार है और इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके इशारे पर वह महिला ऐसा बोल रही है। ऐसी माँ बहन जो भी है उनको बताइए, ऐसी फर्स्ट की दो रोटी हम लोगों ने खाई खाना खाने के बाद। सकते हैं, मेरे दोस्त मेरे साथी सब जानते हैं, मैंने कई महीनों से खाना पीना ये सब बंद कर रखा। मैंने तो उनको देखा तक नहीं साहब, छूने की तो बात छोड़िए। और हमारा तो रिकॉर्ड है, हमारे घर परिवार दोस्त यार सबसे पूछ ली। आरोप लगाना मतलब आरोप लगाना उनके पक्ष का काम है, मेरा नहीं है। मैंने तो अपनी एक बड़प्पन जो मर्यादा होती है, मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी, आरोप निराधार है। वहीं कांग्रेसी विधायक सुनील सराफ का कहना है कि पूरा मामला प्री प्लान है, क्योंकि जिस तरह से महिला पहले विधायक की सीट पर सो जाती है और बाद में शिकायत करती है, ऐसा लग रहा है कि किसी के कहने पर कांग्रेस के विधायकों पर आरोप लगाने का काम किया जा रहा है और यह आरोप पूरी तरह निराधार है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस घटना को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने इस मामले में प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। क्यों इस बता रहा हूँ, चली गई वो बर्थ चेंज करा ली, हम लोग भी सो गए, ठीक है भाई चली गई। सागर में जब पुलिस आई तब हम जाने की हमने छेड़खानी कर दी है कि जब वो सागर में पुलिस आई तब हम जाने की हमने छेड़खानी कर दी है। आप लोग बताओ क्या ये करेंगे कि एक दो विधायक ये करेंगे, और लिटरली सौगंध खा के कह रहा हूं, हमने चेहरा भी नहीं देखा, अंधेरा था। आरोप और सुनिए, साजिश की बू कैसे आ रही। अभी मुझे किसी पत्रकार साथी नहीं बताया कि उसमें हमारी विधानसभा का नाम उम्र तक लिखी है। आप कैसे जानती हो कि मेरी उम्र कितनी है, आप कैसे सब चीज जान रही हो भाई। मतलब साजिश है ना कि देख लिए दो कांग्रेस का विधायक है, बोले रगड़ दो। अगर कोई सीट को लेकर के कोई बात हुई, बर्थ को लेकर के बात हुई, तो चरित्र को क्यों उछाल रहे हो। आपका किसी महिला का चरित्र इतना सस्ता है या पुरुष का चरित्र इतना सस्ता है क्या। मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि भैया महिला को सुरक्षा की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ पुरुष को भी अब सुरक्षा की जरूरत है, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। देखिए ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूँ। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूँ, बेटी हूँ तो लड़ सकती हूँ, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर, और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो, कि आपके कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की है, प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ये है, उनका मूल चरित्र है इसी प्रकार से काम करना। यह दुर्भाग्यजनक है, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उस बहन को न्याय मिलेगा, हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।